बिग बॉस 13 में प्रतिभागी पारस छाबड़ा की एक्स गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी की चर्चा अक्सर होती रहती थी, जो शो में ना होने के बावजूद भी बिग बॉस 13 के प्रतिभागियों के डिस्कशंस में शामिल रहती थी। और तब से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आकांक्षा पुरी बिग बॉस 14 की हिस्सा बन सकती हैं। और अब सुनने में आ रहा है कि बिग बॉस 14 में आकांक्षा पुरी नजर आ सकती हैं, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है कि आकांक्षा ने अपना शो विघ्नहर्ता गणेश छोड़ने का मन बना लिया है। विघ्नहर्ता गणेश में आकांक्षा पार्वती के रूप में नजर आती हैं। विघ्नहर्ता गणेश अपने 700 एपिसोड पूरे कर चुका है और आकांक्षा करीब 3 साल से इस शो की हिस्सा हैं। लेकिन अगर ये खबर सच होती है तो अब विघ्नहर्ता गणेश में नजर नहीं आएंगी। खबरों के मुताबिक आकांक्षा ने नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए भी आवेदन दे दिया है और अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पारस के बाद क्या बिग बॉस के घर में आकांक्षा एंट्री करने वाली हैं। वैसे आकांक्षा कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, लेकिन बिग बॉस 13 में वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड पारस छाबड़ा की वजह से ही काफी चर्चा में आई और उनकी लोकप्रियता बढ़ी। बी टाउन की अभिनेत्रियां हैवी मेकअप से अपने स्किन के प्रॉब्लम्स और स्कार्स को बहुत छुपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कैमरा मेकअप के पीछे के हिडन स्किन प्रॉब्लम्स को कैप्चर कर ही लेता है। इसलिए आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जहां कैमरा के जूम वेरी क्लोज शॉट्स में इन एक्ट्रेसेस के रियल फेस देखने को मिल रहे हैं। Yeah.